शुक्रिया अशोक शुक्ला जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आशीष आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे। दिनेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर संवाददाता, हम उनसे जान लेते हैं। लेकिन एक कमेंट अगीत दीक्षित जी पहले मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पुरातत्व विभाग की बात करें, जिस सर्वेक्षण के अधीन अगर हम बात करें, तो प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको खोलने की अनुमति भी यहाँ पे गाइडलाइन के अंडर गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। तो यानी कि अब देखा जाए कि जो पर्यटन स्थल है वहां पे भी रौनक लौटेगी। देखिए अरम, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि सोमवार के दिन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने तमाम संग्रहालय खोलने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद ये तय हो गया था कि राज्य सरकारों को तय करना है कि वो अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से किन किन स्मारकों को और दर्शनीय स्थलों को खोलेंगे। उसी के तहत ये तय किया गया है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो विभाग है उसने तय किया है कि मध्य प्रदेश के भी स्मारक, खासकर अगर बात करें तो खजुराहो भी खोल दिया गया है, तमाम ग्वालियर के किले जो देखने जाने की बात करते हैं वो खोल दिए गए हैं, मांडू को खोलने की तैयारी की जा रही है। तो ये अब जो है आप लोगों का जनजीवन कैसे सामान्य हो पाएगा, कैसे वो लगातार 64-65 दिन जो है अंदर घरों में कैद थे, अब वो कैसे खुली हवा में घूम सकते हैं, इसके लिए मुझे लगता है सरकार ने और जिला प्रशासन ने तैयारी की है। जी चलें, गीत दीक्षित जी हमारे साथ जबलपुर से, संवाददाता दिनेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां अनलॉक 2 को लेकर। जी रंजी, जिस प्रकार से पूरे जो मध्य प्रदेश साथ जबलपुर में अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन जारी आदेश जारी है, इसको लेकर जो मॉल हैं या रेस्टोरेंट कहा जाए या होटल लॉज जो है, ये सारे सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक खुलने की जो परमिशन है रहेगी, और वहीं 50% जो कैपेसिटी के साथ प्रोटोकॉल का जो शर्तों के अधीन ही खोला जा सकेगा। वहीं जो पूजा स्थल है ये भी कहा गया है 6 से ज्यादा अधिक लोग नहीं पहुंचे वहां, सरकारी दफ्तर जो है 100% के साथ ही जो खोला जाए। इसी के साथ साथ जो शादी विवाह में 10 से बढ़ाकर 20 जो 20 लोगों की अनुमति की गई है, वहीं दोनों तरफ से जो 50 लोग पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो ये पूरे शमशान घाट में वो 10 लोगों की जो स्थिति है, पर कहीं ना कहीं ये सारे जो आदेश हैं एक किनारे रख दिए जाते हैं जहां पर। और वहीं एक सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से भी कुछ जिम संचालक और मॉल संचालक ने जो एक कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे थे, उसके साथ साथ जब ये दोबारा जो अनलॉक 2 का जो फरमान जारी है उसी को देखते हुए किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं जो सिनेमा घर, थिएटर है, स्विमिंग पूल है, इनको बंद रखने की अनुमति है और इनको कहीं भी खोला नहीं जाएगा इसको लेकर। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि जबलपुर में जो कलेक्टर द्वारा जो गाइडलाइन की जारी की गई थी, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी काफी तेजी से किया जा रहा था, जहाँ अभी परियड के महकमा गांव जो पूर्णतः 100% वैक्सीनेशन होकर इसको जो कोरोना मुक्त गांव हुआ है। इसी के साथ साथ कलेक्टर के द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग है या रात का जो कर्फ्यू है वो तो जारी है, वो सभी जगह रहेगा, जबलपुर भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो बैरिकेटिंग के माध्यम से, आपको बताऊंगा इरम जी, बैरिकेटिंग के माध्यम से कई जगह जो 100 रुपया चलानी कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर भी काफी जो लोगों का आक्रोश है वो देखा जा रहा है, पर कहीं ना कहीं पुलिस का भी गुस्सा सामने आता है। और जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए, पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष तिवारी।